दिया आप लोग। नमस्कार, मैं मैडम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। CAA NRC को लेकर के पटना के सब विभाग में कल विरोध प्रदर्शन जो है वो चालू हुआ था और आज दूसरा दिन है CAA NRC को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है वो पटना के सब्जी बाग में जो है वो दूसरे दिन भी दिख रहा है। भारी मात्रा में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और ख़ासकर आप नज़र डालें तो महिलाओं पर पूरे के पूरा जो चेयर्स है वो महिलाओं से भरा पड़ा है, यानी कि महिला जो घर में रहती हैं वो खुद सड़क पर उतर करके आई हैं और विरोध प्रदर्शन जो है CAA NRC के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। कल से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से जो तमाम सब्जी बाग के लोग हैं वो सड़कों पर बैठ गए थे, अपने काम को छोड़ करके वो सड़कों पर थे और CAA और NRC का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी कई बातें जो है वो यहाँ से बोली जा रही है। खासकर बात करें तो तमाम जो नेता हैं अन्य पार्टी के वो यहाँ पर भी मौजूद हो रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता शकील अहमद जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और जनता जो यहाँ पर बैठी है उसको संबोधन कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर CAA NRC जो है वो क्या चीज़ है। उस बातों को जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और मंच पे खड़े होकर के उन बातों को साझा कर रहे हैं। बहरहाल शाहीन बाग की भी तस्वीरें आपने देखी होगी किस तरीके से शाहीन बाग में पिछले 28 दिनों से जो है महिलाएं जो है वो सड़क पर बैठी हैं इस बिल के खिलाफ, और पटना के सब्जी बाग को भी कह सकते हैं कि ये दूसरा शाहीन बाग जो है वो बनने जा रहा है और आज दूसरा दिन है विरोध प्रदर्शन का, जहाँ पर कल की बात करें तो कल से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देर रात तक जो है वो यहाँ पर लोग जमे रह रहे हैं। कल की खासकर बात करें तो कल जो थी वो पटना में ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बावजूद जो महिलाएं थी वो टिकी हुई थी विरोध प्रदर्शन में, और आज भी बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ एक मकसद है कि CAA NRC जो है उसको किसी तरीके से जो है केंद्र सरकार वापस ले, ये मांगे हैं। मगर ये मांगे हैं जो पूरी होंगी या नहीं होंगी ये तो वक्त बताएगा, मगर विरोध जो है वो देखा जा सकता है। हर तरफ विरोध, देश भर में विरोध जो है वो चल रहा है। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा उसके लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।